रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। दीपोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ पे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी है आप लोगों को दिया दिखाने का पहली बार मौका मिला? बहुत खुशी है हम लोगों को। जिस दिन हमें पता चला है कि हमें यहाँ पे मौका मिल रहा है तो हमने ये मौका गंवाने नहीं दिया है, हम तुरंत यहाँ पे आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी का भाग्य है हमारा कि हम यहाँ पर आए हैं इस उपलक्ष्य में। कितनी मतलब ड्यूटी रहेगी आप लोग करना क्या करना? जी 4 बजे तक होगी जी। तो ये मतलब आप कितने दिन तक तैयार करके देना है इसको? जी 30 तारीख को दीपक जलेगा, उसके पहले हम लोग के सारी दीपक खाली दिया वो होंगे बिछाए जाएंगे यहाँ पे। आज हमारा दूसरा दिन है दीपक बिछाने का और 30 तारीख को यहाँ दिया जलेगा और यहाँ हमें बहुत भाग्य से ये उपलब्ध प्राप्त हुआ है जो हम यहाँ पे आए हैं अयोध्या में होने का ये भाग्य है और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हम अयोध्या में दीपक बिछा रहे हैं और दीपक जलाएंगे भी। यहाँ पे जो है 5,000 स्क्वायर फीट में एक रंगोली बनेगा दिया से, जो कि उसमें 1,80,000 है, इसमें मतलब दिए का इस्तेमाल हम लोग का इसमें चढ़ना है। तो कितने बच्चे इसमें लगे होंगे? इसमें हम लोग का करीब 200 बच्चे करीब लगे हैं। अच्छा। पूरे फाइन आर्ट के बच्चे इसमें शामिल है हम लोग। ये कैसी रंगोली रहेगी जो आप लोग बना रहे हैं? रंगोली एक स्वास्तिक के चिन्ह पे रहेगा, उस पर आधारित रहेगा, इस पे पूरे मानव जीवन पे आधारित एक रंगोली उस पर दर्शाया जाएगा। कहीं मंदिर वगैरह का भी जिक्र उसमें है क्या? नहीं, इसमें मंदिर वगैरह का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ रंगोली दिए से ही बनाए जाएंगे। इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर चुके हैं? जी, इसकी तैयारी हम लोग 1 हफ्ता पहले से शुरू किए हैं, मतलब 1 हफ्ता 7-8 दिन पहले से हम लोग इसकी तैयारी किए हैं। आज तक इससे कल से काम हुआ है थोड़ा, अभी और 2-3 दिन काम इससे करना है। कल से क्या दिया बिछाने का काम शुरू कर दिया? अभी पहले मैंने स्केचिंग किया, इसके स्केचिंग अभी और करेंगे, उसके बाद कलर से पेंट करेंगे, उसमें कलरिंग होगा, जो बॉक्स रहेगा उसको कलर से भरेंगे, फिल करेंगे, उसके ऊपर हमें दिया से सजाएंगे इसको।